ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना योग कर लिया, इतने भोग लगा दिए बाबा को, बाबा तो बेरा हो गया, सुनता ही नहीं हमारी, क्यों नहीं सुनता। कभी कभी जब कर्म गति हमारे सामने से निकल रही होती है नेगेटिव, तब हमारी सुनवाई नहीं होगी। क्लियर शब्दों में सुन लीजिए, क्योंकि जब हमारी कर्म गति सामने आती है तब भगवान इंटरफेयर नहीं करते, बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं, बिल्कुल साक्षी। और कभी कभी उचित समय नहीं होता सुनवाई के लिए, अगर सुन भी लिया और समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है, पाप का प्रभाव सामने से गुजर रहा है, तो शुभ की बजाय क्या हो जाएगा। और आजकल यही हो रहा है, शुभ नक्षत्र देखे, कुंडलियां मिलवाई, शुभ समय में सब कुछ किया, प्रसादी 2 महीने नहीं टिकी, सब गलत हो गया, सब व्यर्थ हो गया, खत्म। सोचा था किसी ने कि ऐसा हो जाएगा, कर्म गति समय फेवर में नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमारी सुनवाई किस लिए नहीं होती, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपका घर में बच्चा है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको पता है इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप वीकेंड में उसकी फेवरेट आइसक्रीम उसको खिलाते बिना कहे। फिर से प्रैक्टिकल बात करेंगे, आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। लेकिन आज बच्चे को खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, गला बैठा है, और रो रो कर, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो आपसे आइसक्रीम मांग रहा है। पेरेंट्स बैठे ना मोस्टली सभी, अब कौन सा ऐसा मम्मी या पापा है जो ऐसी स्थिति में बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा, है? क्यों, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बच्चा चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार के आपसे मांग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं खिला रहे आज आप उसको आइसक्रीम? जेब में पैसा नहीं है, आपकी सामर्थ्य ताकत नहीं है बच्चे को आइसक्रीम खिलाने की, रीजन क्या है, क्यों नहीं खिला रहे हो आज उसको? जी तबीयत ठीक नहीं है, और खिला दिया तो क्या होगा, तो ऊपर वाला भी तो इतना ही कर रहा है ना, बस जो आप कर रहे हो नीचे। आपने सुना अपने बच्चे का, सुना कि अनसुना कर दिया। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो जैसे हमने अपने बच्चे का नहीं सुना ना, रो भी रहा है, कुसामदे भी कर रहा है, नखरे भी दिखा रहा है, लेकिन सुन रहे हैं क्या? नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ना देने के पीछे रीजन क्या है, हम उसका भला चाहते हैं, ऊपर वाला भी बस इतना ही कर रहा है, उसको पता है कि यदि अभी इसी वक्त इसकी सुनवाई हो गई तो शुभ के बदले क्या हो जाएगा, कल्याण के बदले क्या हो जाएगा, क्योंकि समय उचित नहीं है, समय फेवर में नहीं है, पाप का प्रभाव अभी गुजर रहा है। अच्छा फिर आप ये बताइए कि आपने आइसक्रीम खाने को पूरी जिंदगी के लिए कैंसिल किया कि डिले किया? क्या बोल रहे हो आप उसको, क्या बोल रहे हो? बेटा तुम ठीक हो जाओ, नेक्स्ट वीक, एक के बदले कितनी है, और ऊपर वाला भी क्या कहता है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन, कॉन्फिडेंस, विश्वास, वो भी कह रहा है बच्चे कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल डिले हो रहा है, थोड़ा सा समय रुक जा, उचित समय आने दे। एक के बदले कितनी, 2, एक के बदले कितनी, उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी बस, और फिर वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, देखिए क्या होता है। तो डाउट करने की बजाय क्या करेंगे, निश्चय को अटल बनाकर रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक फोन आया भाई का, मैं बड़ी सभी जगह सुनाती, बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल अनुभव है। समाधान शुरू हुआ था, 1 साल 1.5 साल बीता था, बॉम्बे से एक नए नए भाई का फोन आया, जो नया नया अभी बाबा का बच्चा बना है। तो 3-4 लोगों के पास फोन आते रहते, 2-2 घंटे खोलते हैं, या मेल या मैसेज आते हैं। एक भाई ने कहा बॉम्बे के, मैं यहाँ पे घर लेना चाहता हूँ।
नया नया बाबा का बच्चा हूं। राजयोग में क्या ऐसी पावर है जो मुझे घर दिला दे यहां पे? तो हमने कहा राजयोग तो राजाओं का राजा है, जो चाहे कर सकते हो। मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बोला बहुत सारे कस्टमर है उसके, लेकिन चाहिए मुझे। हमने उनको जो भाई जी सिखाते हैं कहा कि 2 मास योग कीजिए, स्वमान का अभ्यास बताया और सब कॉन्शियस माइंड का अभ्यास बताया कि आप फील कीजिए घर मिल गया है, आपके हाथ में रजिस्ट्री, आप ग्रह प्रवेश कर रहे हो, अभी से विजन देखिए, इंजॉय कीजिए उस घर को। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली 2 मंथ उसने योग किया 45 मिनट्स, और जिस दिन शुरू किया भोग लगाकर, बाबा को मीठा खिलाकर, शुभ संकल्प देकर शुरू किया। रोज डेली वो योग करता है 45 मिनट्स घर के लिए, स्वमान का अभ्यास, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग। 2 महीने के बाद उसके पास फोन आया कि जो फ्लैट तुम लेना चाहते हो तो किसी और ने ले लिया। बेचारे का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकल गए, बाबा की तरफ देखा भी नहीं, दिल शिकस्त हो गया। दुख इतना हुआ कि वो गुस्से के रूप में बाहर आया, और तो कहीं बस नहीं चली, समाधान में फोन मिलाया और फोन हमने ही उठाया। अब उसका हाई टेम्पर था, दुख था, गुस्सा था, बोला जी देख लिए सब, कोई बाबा वाबा नहीं, कोई दम नहीं है बाबा वाबाओं में, सब देख लिए मैंने, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम। टूट गया था बिल्कुल गुस्से में। हमने बहुत पूछा कौन बोल रहे, कहां से बोल रहे, क्या बात हो गई, भैया बताइए तो फोन कट। थोड़ी देर तो हमारे भी संकल्प चले, क्या हो गया भाई, चलो बात भूल गई। बरसाती सीजन था, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्टेट में बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी गिर रहा था, शांतिवन में भी आ गई थी, टूट गया था नाला वगैरह। हम लोग जब बरसात होती है तो मेहमान कम होते हैं तो न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं सुबह के टाइम, क्या हो रहा है दुनिया में। तो न्यूज़ देख रहे थे, 8 से 9 के बीच का टाइम था, 9:45 का टाइम था। हर चैनल पे एक न्यूज़ हाईलाइट हो रहा था उस दिन, बॉम्बे में हैवी रेन के कारण एक बिल्डिंग गिर गई, 30 लोग तो दबके मर गए, बाकी मलबे में दबे हुए हैं, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, और जो बिल्डिंग से बाहर थे वो बिल्कुल बेघर, ना जन ना धन ना घर, कुछ नहीं है आज उनके पास, वो सड़क पर हैं, रोड पर, सब खत्म हो गया। बड़े उससे देख रहे थे, अरे ऐसा कैसा हो गया, इतना ऊंचा बिल्डिंग कैसे गिर गया। फिर फोन की घंटी बजी, देखिए, और लकीली तीसरी बार भी फोन हमने ही उठाया। हम एक तरफ न्यूज देख रहे थे और दूसरी तरफ हेलो भैया कौन बोल रहे हैं, कहता अब देखिए उसका साउंड क्या था, वाह बाबा वाह, बचा लिया तूने तो हमें। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल घटना में आपको सुना रही हूं। तो हमको समझा नहीं कि ये कौन बोल रहा है, हमने बोला भैया आप कौन बोल रहे, कहते बेन जी घर वाला भाई। मैंने घर वाला भाई बोला, अरे वो जिसने घर के बारे में पूछा था अभी कुछ दिन पहले, उल्टा सीधा बोल दिया था ना बहन जी। अच्छा याद आया, अब हमारे मन चित में भी नहीं कि आगे ये क्या बात करने वाला है। हमने कहा क्या हुआ भैया, कहता बहन जी लाख लाख शुक्रिया बाबा का जो हमें वो घर नहीं दिलाया। क्यों? कहता आज सुबह ही वो बिल्डिंग गिर गई जिसमें मैं फ्लैट लेना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा वही बिल्डिंग है, वो हम न्यूज में देख रहे हैं। बोला वही बिल्डिंग है, अगर बाबा मुझ नादान की सुनवाई उस वक्त कर लेता तो मैं और मेरा परिवार आज जीवित भी होता पता नहीं। अच्छा किया जो मेरी सुनवाई नहीं हुई, अच्छा किया, लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले का। और बोला बहन जी ये जीवन आज से उसकी देन है, उसने मेरी जिद नहीं मानी, जब तक जीऊंगा ना बहन जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो नहीं जाना छोड़ूंगा। फिर मैंने भी, मुझे भी मौका मिल गया थोड़ा सा, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा भैया एक बात पूछूं। बोला क्या? मैंने बाबा ने दम दिखा दिया अपना? तो बोला हाँ दिखा दिया। मैंने जैसा वैसा तो नहीं है? कहता नहीं, एक ही है बस, जैसा वैसा नहीं है, दम देख लिया ना बाबा का। तो कभी कभी
अगर हमें ऐसा लगता है नहीं सुन रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, इतना योग लगा लिया, इतना कुछ कर लिया, समझ जाइए कोई ना कोई राज है। संशय हो बुद्धि होने की बजाय राज को समझिए, वो कल्याणकारी है। कभी भी अकल्याण, लाख सुनवाई कर लो नहीं सुनेगा जब तक कल्याण होने वाला नहीं होगा, और होगा जरूर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आज अपने घर में एक व्हाइट पेपर पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख के चिपका लेना, मेरी विजय डिले तो हो सकती है पर कैंसिल हरगिज नहीं, मेरी विजय सुनिश्चित है। क्या है? मेरी विजय सुनिश्चित है, वो डिले हो सकती है पर कैंसिल नहीं, क्योंकि मेरे सर पे किसका हाथ है? बाबा का हाथ है, ठीक है ना, बाबा का हाथ है मेरे सर पर।